दोस्तों आदि पुरुष मूवी रिलीज हुए लगभग लगभग आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 9 दिन के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि फिल्म की डायलॉग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। क्या है पूरे चेंजेस, क्या है पूरी खबर, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इन 9 दिनों के अंदर हम लोगों ने जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक, सोशल मीडिया से लेकर नेता तक, नेता से लेकर अभिनेता तक, यानी कि हर किसी ने कुछ ना कुछ इस मूवी को लेकर कहा है। किसी ने इस मूवी की निंदा की है तो किसी ने इस मूवी को कहा है कि आज किस समय की वही मूवी हम बना रहे हैं। वहीं पर फिल्म मेकर का ये कहना है कि जो हम बनाना चाह रहे थे, जो हम दिखाना चाह रहे थे, वो शायद आप लोगों तक पहुँच ही नहीं पाया। अब ये वैसे तो विवादित चीज़ें हैं ही, क्योंकि आप अगर रामायण बनाते हो तो आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हो। आप किसी देश के मेन धर्म ग्रंथ पे अगर कोई मूवी, कोई नाट्यकृत आप बना रहे हो तो आपको उससे पहले ये समझना चाहिए। आपको पता है, जब आनंद जी की एक खबर आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब हम 1987 में रामायण बना रहे थे तो उस समय हमारे ऊपर एक केस हुआ था, वो केस हमारे ऊपर आज भी चल रहा है। मतलब कि ये कि लोग जो हैं 1% भी अपने धर्म ग्रंथ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाह रहे थे, जबकि उस रामायण की तुलना आज के समय में किसी भी रामायण से नहीं की जा सकती। वो जो प्रेमानंद साहब ने रामायण बनाई थी, उसका हर एक कैरेक्टर हिट था, हर एक एक्टर हिट था। डायलॉग राइटर की तो बात ही क्यों करें, क्योंकि मैक्सिमम जो लैंग्वेज है वो संस्कृत यूज़ करी गई थी और जो भी डायलॉग लिखे गए थे वो सबके सम्मान को देखते हुए, कि किसी के भी आत्मसम्मान को आहत ना पहुँचे, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो या भाभी हो या एक्स वाई जेड, यहाँ तक कि अगर कोई दुश्मन भी होना था। रामानंद जी की तरफ से यही चीज़ आई थी कि यार अगर हमने पहले रामायण बनाई थी तो उस रामायण से अगर लोगों को आपत्ति थी तो ये तो क्या है, मतलब क्या है, इसे क्या कह सकते हैं। वहीं पर अगर मूवी की कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने जिस हिसाब से पीक पे था कि उठा और बैठ गया, मतलब पहले दिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 80 करोड़ के आसपास, उसके बाद में टोटल ये वीक ख़त्म होते होते पूरे वर्ल्ड की बात, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, कम से कम 350 करोड़ के आसपास ही मूवी ने कमाई कर ली है। लेकिन आते आते समय अभी ये मूवी बिल्कुल डाउन हो चुकी है और अभी थिएटर में तो चल रही है। बहुत से लोग ये बात कह भी रहे हैं कि थिएटर में चल रही है, बिल्कुल चल रही है, लेकिन थिएटर में अभी वो चीज़ नहीं रही है क्योंकि मूवी तो वैसे भी चल रही है। और आदि पुरुष मूवी फ्लॉप होने की वजह से सारा अली खान और विकी कौशल की मूवी जरा हटके जरा बचके को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ से लोग डाइवर्ट होकर जरा हटके जरा बचके जाना देखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि जब लोग कहते हैं उनके पास टाइम है मूवी देखने आए तो क्या देखे रामायण, क्योंकि रामायण में इन सारी ये सारी चीज़ें तो है नहीं जो जो लोग उम्मीद लगा के बैठे, तो क्यों ना हम जरा हटके जरा बचके देखें। तो इसलिए आदिपुरुष के फ्लॉप होने की वजह से जरा हटके जरा बचके को प्रॉफिट थोड़ा सा हो रहा है। फिल्म मेकर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम फिल्म के डायलॉग्स में चेंजेस कर रहे हैं और उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी भी किया जिसमें उन्होंने, जहाँ पे एक शब्द था तेरे बाप की लंका, तेरे बाप का तेल, तेरे बाप का कपड़ा, उसके बाद में जलेगी तेरे बाप की, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है, बाप की जगह पे लंका कर दिया गया है, यानी लंका का तेल, लंका का कपड़ा, जलेगी भी तेरी लंका। तो ये थोड़े से वर्ड जो उन्होंने चेंज किए हैं, बाकी तो उम्मीद ज़्यादा नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात बता देना, जैसे कोई चीज़ स्टार्टिंग में हमें बुरी लग गई, रहीमदास जी का एक दोहा था, आप लोगों ने शायद 10th या 11th में पढ़ा होगा, जिसमें कहा गया था कि रहीमन धागा जान के मत छोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अगर एक बार हमें ये पता चल गया कि नहीं, इस चीज़ में वो मज़ा नहीं है, इस चीज़ में वो ट्विस्ट नहीं है, इस चीज़ में वो भाव नहीं है जो हम देखना चाह रहे हैं, तो आप कभी भी वो मूवी नहीं देखने जाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह है कि मतलब एक दो शब्द है लेकिन कहीं पर किसी ने उस मूवी की बड़ाई नहीं करी कि यार वो सीन अच्छा था। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि प्रभास की जो एक्टिंग है वो थोड़ा सा ज़बरदस्त थी। अब प्रभास की एक्टिंग के साथ साथ उस मूवी में स्क्रीन पे और भी लोग हैं, जहाँ पे रावण को लोहा काटते हुए दिखाया जा रहा था, तो अगर ऐसे सीन उसके अंदर है जहाँ पे मेघनाथ को, जहाँ पे इंद्रजीत को शेषनाग की जगह पे टैटूस्ट दिखाया जा रहा था, जहाँ पे विभीषण की बीवी को एक शब्द आगे नहीं निकल पा रहे, मतलब उससे तुलना की जा रही थी, तो अब अगर ऐसी चीज़ें उस मूवी के अंदर हैं, आप क्या क्या चेंज करोगे? मानो या ना मानो, मूवी फ्लॉप साबित हो रही है और अब इससे बड़ा और क्या ही उदाहरण दिया जा सकता है। आपको सोशल मीडिया के ऊपर सारी प्रतिक्रियाएं मिल जाएंगी, जहाँ पे ट्विटर पे आप जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें बना रहे, तरह तरह की बातें कह रहे हैं, उसे फिल्म मेकर्स भी अपने सफाई में कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मनोज मुंतशिर जी का तो बीच में ये भी कहना आ गया था कि मुझे सिक्योरिटी दीजिए क्योंकि मुझे थ्रेट मिल रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। और मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में और कुछ चेंजेस होने वाला है,
तो जो कुछ फेलियर है, मेरी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में जो फिल्म मेकर हैं वो अपनी जो गलतियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद चीज़ों को सुधारेंगे, और अगली बार अगर किसी कोई भी धर्म ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उससे पहले ये चीज़ ध्यान में रखेगा कि यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी सेंसिटिव है अपने धर्म ग्रंथों को लेकर। और एक चीज़ अच्छी निकल करके आई है कि इंडिया के अंदर अभी मुसलमान सिख भाई मतलब हर कोई इस चीज़ का सपोर्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि जिस समय रामायण रामानंद साहब वाली रामायण चलती थी उस समय हमारे गाँव की मोहल्लों की शहरों की गलियाँ सून हो जाती थी। सुन समझते हैं ना, वीरान मतलब कोई भी आपको आता जाता नजर नहीं आएगा। मेरी उम्र उस समय लगभग, अगर मैं बात करूं, मेरी उम्र तकरीबन 5-6 साल 7 साल ऐसे होगी, तो मुझे इतना तो पता था क्योंकि जो रामायण स्टार्टिंग में ट्यून आती थी ना, टिंग टिंग वाली, ये वाली जो ट्यून आती थी ये बड़ी लुभावनी थी, मतलब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। और ये तकरीबन 8 बजे शाम की बात होती थी, सारे लोग फ्री होके, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता था, सारे लोग फ्री होके अपने खेतों का काम ख़त्म करके अपने काम से वापस आकर करके नहा धो के बैठ के आराम से हाथ जोड़ के उस रामायण को देखा जाता था। तो ये भाव था उस मूवी का, तो ये भाव था उस रामायण का, उस भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। और हम उससे इसे जोड़ भी नहीं रहे हैं, हम उसका इससे कंपटीशन भी नहीं कर रहे हैं, होगा भी नहीं कोई कंपटीशन। लेकिन जब चीज़ें ऐसी निकल करके आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पुरानी चीज़ें याद आती ज़रूर हैं, ठीक है यार ऐसा था और आज ये ऐसा हो गया है। तो आई होप कि आने वाला टाइम थोड़ा अच्छा हो और जो कोई भी मूवी बनती है उस पर ध्यान दिया जाए, जो कोई भी धर्म ग्रंथ को उछाला जाता है तो उसे पहले सेंसिटिव तरीके से देखा जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।